हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा टॉप और बेस्ट पावरफुल स्मार्टफोन्स के बारे में अंडर रुपीज 15,000। 15,000 के अराउंड सबसे टॉप स्मार्टफोन्स बताऊंगा जहां पर टॉप क्लास स्पेक्स मिल जाएंगे। लाइक मोस्ट पावरफुल 5G CPU मिलेगा जिससे आप हाई ग्राफिक गेमिंग कर सकते हो। 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट दिया गया है जिससे आपको और भी ज्यादा इनहेंस्ड गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। और 50 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है विद 4K वीडियो रिकॉर्डिंग। तो इस टाइम पर अगर आपको 15,000 के अराउंड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बाय करना है या फिर बाय करने का प्लान कर रहे हो, देन इस वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, सो बने रहिए। बट गाइस, सर आप एक छोटा सा काम कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये एकदम फ्री है, सो प्लीज कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं पहले स्मार्टफोन की जो आता है मेरी लिस्ट में, सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी M14 5G या गैलेक्सी M14 5G। दोनों स्मार्टफोन्स एग्जैक्टली सेम है। डिफरेंस इतना है कि F14 में डुअल कैमरास मिलेंगे जबकि M14 में ट्रिपल कैमरास मिलेंगे। बाकी प्राइस दोनों की सेम है। 4+128GB बेस ब्रांड से आता है। इस फोन के अंदर ऑफर किया गया है सैमसंग के घर का एक्जिनोस 1330 जो कि 5G कैपेबल चिपसेट है। ओनली 5nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, मतलब काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट है। एक तो आपको इसमें बिग बैटरी मिलती है, ऊपर से पावर एफिशिएंट है। 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप आपको इजिली मिल जाएगा। 4 लाख के करीबन एंड्रॉइड स्कोर प्रोवाइड करता है जो स्नैपड्रैगन 695 के सिमिलर है। तो परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस आपको टॉप नॉच मिलेगा। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 दिया गया है जो कि 1UI 5.1 के कोर वर्जन पर बेस्ड है। ये 13 5G बैंड्स को भी सपोर्ट करता है। इसमें LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप भी मिलता है। अगर दोस्तों बाकी फीचर्स की बात करूं तो इसमें 6.6 इंच का फुल HD प्लस PLS डिस्प्ले मिलेगा विद ड्रॉप नॉच। 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसमें डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन दिया गया है विद ग्लॉसी फिनिश। इसमें डुअल कैमरास मिलेंगे। प्राइमरी लेंस 50MP का दिया गया है, साथ में 2 का यूजलेस फालतू का लेंस मिलता है। इसमें अल्ट्रा वाइड नहीं मिलेगा। फ्रंट साइड में 13MP की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके रियर और फ्रंट दोनों ही कैमरे से फुल HD मतलब 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी खासी मिल जाएगी। इस फोन में 6000mAh की बिग बैटरी दी गई है जो कि 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बट सडनली चार्जर आपको बॉक्स में नहीं मिलेगा, अलग से परचेज करना पड़ेगा। बाकी इसके अंदर 3.5mm जैक और सिंगल स्पीकर मिलेगा डॉल्बी एटमोस का। तो ये 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी प्राइस है 13,490 बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर 12,500 रुपए में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है पोको की तरफ से, पोको M4 Pro 5G। अगर आप ज्यादा मल्टीमीडिया करते हो देन इस फोन को चेकआउट कर सकते हो। 4+64GB बेस ब्रांड से आता है। इस फोन के अंदर मीडिया टेक टेमेंसिटी 810 ऑफर किया गया है जो 5G कैपेबल है। ओनली 6nm पर बेस्ड है। ये दोस्तों बजट में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। 3,80,000 के करीबन अद्भुत स्कोर निकालता है, क्लोज टू 4 लाख। नियर टू स्नैपड्रैगन 695 उसका 4 लाख के करीबन आता है। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट गेमिंग एक्सपीरियंस आपको टॉप नॉच मिलेगा। आप यहां से डे टू डे यूजेज में हैवी गेमिंग कर सकते हो। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 दिया गया है जो कि MIUI के लेटेस्ट वर्जन पर बेस्ड है। इसमें LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिल जाएगा। अगर दोस्तों बाकी फीचर्स की बात करूं तो इसमें 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले दिया गया है विद सेंटर पंचोल। 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा और इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन मिलता है विद ग्लॉसी फिनिश। इसमें भी अगेन डुअल कैमरास मिलेंगे। प्राइमरी लेंस 50MP दिया गया है, साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड मिलता है। इसमें फालतू यूजलेस लेंसेस नहीं मिलेंगे। फ्रंट साइड में 16MP की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके रियर और फ्रंट दोनों कैमरे से अगेन फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे 30fps पर। कैमरा क्वालिटी डिसेंट मिलेगी। इसमें 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें 3.5mm जैक, 12 स्टीरियो स्पीकर्स और रैम एक्सपेंशन का सपोर्ट भी मिलेगा। तो ये 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी प्राइस है 14,999। 15,000 रुपए में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है मोटोरोला की तरफ से, मोटो G62 5G। अगर आपको ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, स्टॉक एंड्रॉइड को एक्सपीरियंस करना चाहते हो जो बेसिकली फ्री ब्लॉटवेयर UI है, देन इस फोन को चेकआउट कर सकते हो।
और इसमें आपको हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी भी मिलती है। 6+128GB बेस वेरिएंट से आता है। इसमें स्नैपड्रैगन 695 ऑफर किया गया है जो 5G कैपेबल है, ओनली 6 NM पर आता है। काफी पावरफुल CPU है, मिड रेंज सेगमेंट में तगड़ा परफॉर्म करता है, 4 लाख के करीब स्कोर प्रोवाइड करता है। जबरदस्त गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा नो डाउट। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 दिया गया है जो कि स्टॉक एंड्रॉइड पर बेस्ड है। इसमें LPDDR4X रैम और UMCP स्टोरेज टाइप मिलता है जो बेसिकली UFS 2.1 और UFS 2.2 दोनों के बीच में परफॉर्म करता है। दोस्तों अगर बाकी फीचर्स की बात करूं तो इसमें 6.5 इंच का फुल HD+ IPS डिस्प्ले मिलता है विद सेंटर कंसोल, 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा और इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले बेस्ट मिलता है। रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन दिया गया है विद ग्लॉसी फिनिश। इसमें ट्रिपल कैमरास मिलेंगे। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का मिलेगा, साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस दिया गया है। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके रियर और फ्रंट दोनों कैमरे से अगेन फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पर। कैमरा क्वालिटी ठीक ठाक मिल जाएगी प्राइस के हिसाब से। इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें 3.5mm जैक, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, IP52 की रेटिंग और थिंक शील्ड की प्रोटेक्शन मिलती है जो बेसिकली हार्डवेयर बेस्ड है। तो ये 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी प्राइस है 15,499, 15,500 रुपये में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। और फाइनली दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट स्मार्टफोन आता है इनफिनिक्स की तरफ से, इनफिनिक्स 05G 2023 या फिर टर्बो एडिशन। ये इस प्राइस सेगमेंट में मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन है। अगर आप हाई ग्राफिक गेमिंग करना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल गेमिंग करना चाहते हो, देन इस फोन को चेकआउट करिए, दी बेस्ट स्मार्टफोन है। 8+128GB बेस ब्रांड से आता है। इस फोन में MediaTek Dimensity 1080 ऑफर किया गया है जो 5G सपोर्टेड है, ओनली 6 NM पर बेस्ड है। इकलौता स्मार्टफोन है ये इस चिपसेट के साथ। सेम परफॉर्मेंस बाकी स्मार्टफोन के अंदर 25,000 इनफैक्ट 30,000 तक मिलता है। 4,90,000 के करीबन अंततः स्कोर प्रोवाइड करता है जो इस बजट के हिसाब से एक बड़ा नंबर है। नो डाउट दी बेस्ट गेमिंग कर सकते हो। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 दिया गया है जो कि X12 पर बेस्ड है। ये 12 5G बैंड्स को भी सपोर्ट करता है। इसमें LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलता है। तो अगर बाकी फीचर्स की बात करूं तो इसमें 6.78 इंच का फुल HD+ LTPS डिस्प्ले दिया गया है विद सेंटर कंसोल, 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसमें आपको पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। डिस्प्ले क्वालिटी IPS से थोड़ी सी बेटर मिलेगी। रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन दिया गया है विद वैगन लेदर फिनिश। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास मिलेंगे। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल दिया गया है, साथ में 22 मेगापिक्सल डेप्थ और माइक्रो लेंस मिलते हैं, बट इसमें अल्ट्रा वाइड नहीं मिलेगा। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके रियर कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पर। कैमरा क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक मिल जाएगी। इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। बाकी इसके अंदर 3.5mm जैक और सिंगल मोनो स्पीकर मिलता है। तो ये 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी प्राइस है फिलहाल 15,999, बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर 1500 ऑफ मिल जाएगा, 14,500 रुपये में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो वैसे थे टॉप स्मार्टफोन्स अंडर 15K। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।